और इस बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें, ये बड़ी खबर। दरअसल ओपी चौटाला की सजा पर फैसला कल होगा, ये बड़ी जानकारी। जिस तरह से बहस लगातार जारी थी सजा को लेकर, और अब ये अपडेट सामने आया है। दरअसल जिस तरह से इससे पहले जब हम बात कर रहे थे, स्पर्श थे, तो कहीं ना कहीं इसी बात का जिक्र किया गया था। लंबी बहस चली है आज, दोनों ही पक्षों की ओर से अपनी अपनी दलीलें रखी गई हैं, और किस तरह से फैसला क्या आज होगा तो अब स्थिति क्लियर होती नजर आ रही। दरअसल ओपी चौटाला की सजा पर फैसला अब कल सुनाया जाएगा, ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करा दें। प्रदेश की राजनीति से जुड़े या छोटा आदमी, कानून के लिए सब एक ही निगाह में सब एक है। मिनिमम सजा 7 साल है, और मिनिमम सजा 1 साल है, मैक्सिमम सजा 7 साल है। सर, एक जो एक टेक्निकल पॉइंट हमको समझा दीजिए, तमाम हम लोग कोर्ट की इतनी बारीकियाँ नहीं समझ पाते, ये समझाइए कि सर जो जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा हुई थी तिहाड़ जेल में, चौटाला साहब ने जो समय बताया था, उसकी कस्टडी पहले मानी जाएगी? माना जाएगा? बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। इस बात के ऊपर उन्होंने बार बार बहस करी, हमने सुप्रीम कोर्ट का कानून का हवाला देते हुए बता दिया दोनों सजाएं अलग अलग चलेंगी। और जो दिव्यांगता का सवाल है, ये 7 इयर्स की एज का सवाल है, वो उसके बारे में भी हमने कानून को का हवाला देते हुए बता दिया, इस बात का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा कि एज फैक्टर हो या दिव्यांगता हो, दोनों चीजों का कोई महत्व नहीं रखा जाएगा। कल सजा सुनाई जाएगी 2 बजे, उस बात पे कोई बहस नहीं। जो भी उनके क्वेश्चंस थे उन सबका हमने रिप्लाई दे दिया। सर, एक सेकंड, हमारे साथ अजय गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, आज कोर्ट में क्या कुछ चर्चा रही सुनवाई के दौरान, अगर बात करें? सुनवाई के दौरान यही इसी बात के ऊपर चर्चा रही, उनकी प्रीति की जो जेबीटी केस के अंदर उनको सजा हुई वो सजा इस सजा के मिल जाए, लेकिन हमारी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला देते हुए बता दिया दोनों सजाएं अलग अलग चलेंगी। लेकिन एक और बात है, उन्होंने बार बार कही कि उनकी दिव्यांगता का ध्यान रखा जाए, उम्र का ध्यान रखा जाए, उस बात को भी हमने कोर्ट के अंदर क्रिटिसाइज कर करके बता दिया कि कानून में जब इस बात का कोई प्रावधान नहीं है कि दिव्यांगता का। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। दरअसल जिस तरह से आज बहस चली है, कई घंटे सजा को लेकर बहस की गई, और साफ तौर पर दोनों ही पक्षों की ओर से अपना अपना जो मजबूत दांव है वो चलाया गया, ताकि एक तरफ जहां ओपी चौटाला के वकील ने कम से कम सजा को लेकर जिरह की, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई का कहना है कि अगर सजा कम दी गई तो गलत संदेश लोगों में जाएगा। बहरहाल इन सबके बीच अब कल फैसला सुनाया जाएगा। तकरीबन 2 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब आदेश इसको लेकर आएगा। अब देखना यह कि कल किस तरह से फैसला सुनाया जाता है, क्योंकि बहस आज कई घंटे चली है। आप क्या जो है अंदर बात करें तो किस तरह की जो दलीलें आपकी तरफ से पेश की गई? हमारी तरफ से सिर्फ एक ही दलील ये वाली बात पेश की गई कि दोनों सजाएं अलग अलग चलेंगी और मैक्सिमम पनिशमेंट उनको दिया जाए। सर, ओम प्रकाश चौटाला के वकील ने उनकी एज का हवाला भी दिया, उनके स्वास्थ्य का हवाला भी दिया, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? कानून में जब कोई प्रावधान ही नहीं है इस बात का कि जी एज का हवाला देखा जाएगा या दिव्यांगता का देखा जाएगा, तो उसके ऊपर कोई रिलैक्सेशन नहीं मिल सकती। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, उन्होंने कहा कि जेबीटी जो घोटाला था उसमें ऑलरेडी जो है वो सजा जो है काट चुके हैं, तो उसको कहीं ना कहीं जो है देखा जाना चाहिए। उसके लिए भी हमने कानून उनको दिखा दिया, दोनों केसों में सजाएं अलग अलग चलेंगी। एक अंतिम सवाल ये कि इस मामले में अगर बात करें तो मैक्सिमम सजा कितनी जो है हो सकती है? मैक्सिमम सजा 7 साल है। हम अदालत से प्रार्थना करिए कि जी 7 साल की ही सजा मिलनी चाहिए, कानून पे लोगों का विश्वास बना रहना चाहिए। तो बिल्कुल, ये देखिए सीबीआई के वकील हमारे साथ एक्सक्लूसिव मौजूद थे, अजय जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैक्सिमम सजा को लेकर जो है हमने कहीं ना कहीं ये कहा है कि जो है ओम प्रकाश चौटाला को जो है मिलनी चाहिए, और जो तमाम दलीलें ओम प्रकाश चौटाला के वकील की तरफ से कोर्ट में रखी गई थी उसको जो है वो कह रहे हैं कि हमने जो है काउंटर उन दलीलों का जो है पूरी तरीके से किया था, और उसके बाद हम ये चाहते हैं कि जो मैक्सिमम सजा है ओम प्रकाश चौटाला को मिलनी चाहिए। और अब इस पूरे मामले पर जो है फैसला जो है फिलहाल रिजर्व रख दिया गया, और कल जो है इस पूरे मामले पर 2 बजे जो कोर्ट के जज हैं वो अपना फैसला सुनाते हुए नजर आएंगे। स्पर्श, बिल्कुल साफ तौर पर इंतजार हमें कल 2 बजे का करना होगा। लेकिन जिस तरह से अजय गुप्ता जो सीबीआई के वकील हैं, उन्होंने खास बातचीत में कई अहम और जानकारियां भी दी, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एज फैक्टर दिव्यांगता का कोई फायदा उन्हें मिलने वाला नहीं है। इसका अर्थ यह निकाला जाए कि कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ सकती हैं ओपी चौटाला की। स्पर्श, बिल्कुल हम ये जिस तरीके से हम ये कह रहे थे कि जो जी बिल्कुल देखिए जो ओम प्रकाश चौटाला के वकील थे वो सीधे तौर पर ये दलील देते हुए नजर आ रहे थे कि जो एज फैक्टर है जो ओम प्रकाश चौटाला है उनकी, चूंकि उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, वो जो है 90% दिव्यांग भी हैं, इसके साथ साथ उनका जो डे टू डे उनकी जो प्रक्रिया रहती है वो पूरी तरीके से इस तरीके से रहती है कि वो व्हील चेयर पर चलते हैं और किसी और के ऊपर वो जो है डिपेंडेंट पूरी तरीके से देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। ऐसे में इसको भी जो है कहीं ना कहीं सजा सुनाते हुए जो है कोर्ट में जो है उनको कंसिडर जो है किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से
सीबीआई के वकील जानकारी दे रहे थे कि उन्होंने जो है पूरी तरीके से इसको जो है अपोज किया था कि कभी भी जो इस तरीके का मामला होता है तो उसमें एज फैक्टर जो है नहीं देखा जाता है, इसके साथ साथ ये भी नहीं देखा जाता है कि कितनी जो है वो जो है दिव्यांग है। तो ऐसे में पूरी तरीके से दोनों ही पक्षों की अगर बात की जाए, चाहे ओम प्रकाश चौटाला के वकील की बात की जाए या फिर सीबीआई के वकीलों की बात की जाए, तो उनकी तरफ से जो दलील है वो जो है अपनी अपनी तरफ से दी गई थी। ऐसे में अब जो जज है वो किस तरीके से जो है दोनों ही दलीलों को लेते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ जो है कहते हुए नजर आएंगे, उस पर कल 2 बजे जो है जो कोर्ट के जो जज है वो जो है फैसला देखना ये कि आखिर कल क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।